आई एम गेटिंग अ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन कि अगर आपका वीज़ा 7 या 10 दिन का हो और आपको टर्की ट्रैवल करना हो तो काफ़ी सारे लोगों का ये कंसर्न है कि इस सिचुएशन में हमारे साथ क्या होगा, कि क्या ये हमारा जो विज़िट है वो टर्की का वो उस टाइम से शुरू होगा जिस टाइम से हम टर्की में लैंड करेंगे, या कि उस टाइम शुरू होगा जब हमें क्वारंटीन फिनिश करके एग्ज़िट करेंगे। तो दी आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़ कि आपका जो स्टे है टर्की में वो उसी दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन आपने एयरपोर्ट पे लैंड किया होगा। दे विल नॉट अलाउ यू एनी एक्स्ट्रा डे फॉर दैट मैटर। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ वीज़ा फॉर 7 डेज एंड इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टू टर्की एंड यू हैव टू बी क्वारंटीन इन फॉर लाइक एटलीस्ट 10 डेज, तो इस सूरत में आपका टर्की आना बिल्कुल यूजलेस है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आएंगे, आपका 7 डेज़ का वीज़ा होगा, आपको क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में लेके आएंगे और यहीं से आपको वापस एयरपोर्ट पे ले जाके तो आपके मुल्क को वापस भेज देंगे। दे विल नॉट लेट यू आउट। तो आई वुड सजेस्ट डू नॉट ट्रैवल अनलेस यू हैव अ वीज़ा फॉर मोर देन 2 वीक्स एट लीस्ट इफ़ यू आर हियर फॉर बिजनेस पर्पजेज। सो हियर इज अनदर स्टोरी। अगर आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे लॉन्ग स्टे करना है लाइक ओवर 2 वीक्स, और इफ़ यू हैव एन इंटेंशन टू अप्लाई किमलिक लाइक रेजिडेंशियल स्टे जो अगर आपने यहाँ पे करना है, TRC आपने अप्लाई करना है, तो फॉर दैट मैटर वो आपके लिए एक सूरत हाल निकल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका वीज़ा जो है वो 10 दिन का है या आपका वीज़ा 7 डेज़ का है, और अगर आपका क्वारंटीन 10 दिन का है तो आप 7th, 8th, or 10th day आप अपना किमलिक अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जिस दिन से आप किमलिक अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो उस दिन से ही आपका जो स्टे है टर्की में, आप टर्की रेजिडेंट एज ए शुमार करना शुरू हो जाते हैं आपको। तो इट मीन्स कि आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। तो उसके बाद आपकी जो डेट आती है वो विद इन अ वीक होती है, तो ऑब्वियसली फिर आप आराम से जाके तो वहाँ पे आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं ताकि आपके लिए किमलिक जो है वो बन जाए। तो बात ये है कि पहले अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो आपको होटल्स होती है, कि आप किसी होटल में चले जाओ। तो अगर आप रिफ्यूज़ करते हो अगेन एंड अगेन और उनके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं बचती, तो वो फिर आपको गवर्नमेंट की असाइंड फैसिलिटीज़ में लेके आते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। जो होटल्स की, मैंने जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि होटल्स वाली जो है वो आपको अब अपने खर्चे पे करनी पड़ेगी, अपना आपको चार्ज खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो विच इज़ समवेयर अराउंड 200 लिरा पर नाइट। अगर आप टर्किश ट्रैवल कर रहे हो, अगर कोई लोग पहले आ चुके हैं, दे हैव अ वेरी गुड आइडिया कि अगर आपको टर्किश नहीं आती देन यू आर स्क्रूड, क्योंकि मोस्टली लोगों को इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं और ना ही वो आपको फिर हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। अगर तो आपको थोड़ी बहुत भी टर्किश आती है देन दे ट्राई टू हेल्प यू। अगर आपको एयरपोर्ट पे कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो यू नो दे ट्राई टू अकोमोडेट यू। बट इफ़ यू डोंट नो टर्किश देन आई वुड सजेस्ट यू नो जस्ट वॉक योर सेल्फ राइट बैक टू वेयर एवर यू केम फ्रॉम। इज अनदर इम्पोर्टेंट एडवाइस विच आई वुड लाइक टू गिव हियर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं टर्की और एनीवेयर फॉर दैट मैटर, तो मेक श्योर यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, यू नो व्हाट्स गोना हैपन व्हेन यू लैंड एट द एयरपोर्ट। आई वुड से कि किसी भी तरह के कोई भी एजेंट की बातों पे बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि वो आपको उसी तरह की एडवाइस देंगे जो कि उनके लिए फेवरेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ ट्रैवल एजेंट एंड ही वुड लाइक टू सेल यू टिकट्स, तो उसने तो आपको यही कहेगा, वो तो आपको यही कहेगा कि भाई जल्दी से जल्दी जाओ, आगे से कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो और जाओ, क्योंकि उसकी टिकट्स जा रही हैं, वो चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी जाएं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि वेन एवर यू गो टू अ स्पेसिफिक कंट्री एंड यू हैव चेक्ड विद देयर एम्बेसी इन योर कंट्री, ठीक है, उससे आपको ये होगा कि आपको आइडिया होगा कि भाई आगे हमारे लिए कैसे सूरत हाल है, हमारे हालात आगे जाते हुए कैसे होंगे। And once again, thank you so much for watching this video. And I would urge you to please subscribe the channel. मैं जब तक भी यहाँ हूँ, क्वारंटीन में हूँ, या क्योंकि हम जस्ट इन अ फ्यू डेज हम चले जाएंगे, तो फिर भी मैं आपको किसी भी तरह की अपडेट से जो है वो आगाह करता रहूँगा। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ,
ताकि जो भी हमारे बहन भाई यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। एनी वे, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और इफ़ यू हैव एनी अपडेट्स, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।